जब जब मौसम बदलता है तब तब बुखार का आलम घर घर में पैठ बनाने में लग जाता है। बुखार के लिए अधिकतर इस्तेमाल की जाने वाली गोली है डोलो 650 mg। आप अब बिना डॉक्टर की सलाह लिए भी खुद मेडिकल पर जाकर बुखार की दवाई ले लेते हैं। दवाई कोई मुश्किल भी नहीं याद रखना, आसान सा नाम है डोलो। भारत के अधिकतम घरों में बुखार से निपटारे में डोलो नाम की गोली ही इस्तेमाल की जा रही है। ज्यादातर डॉक्टरों ने अपने पर्चे पर हर बार बुखार के लिए डोलो 650 ही लिखी। तो अब आप भी समझ गए कि हर बार बुखार में डॉक्टर साहब डोलो ही तो लिखते हैं, तो हम खुद ही जाकर ले आते हैं। डोलो 650 mg इस वक्त भारत में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम दवाइयों में शुमार हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतनी जल्दी मार्केट में या आम लोगों के बीच डोलो 650 mg दवाई कैसे इतनी प्रचलित हो गई? फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने डोलो 650 mg बनाने वाली फार्मा कंपनी पर डॉक्टरों को 1,000 करोड़ के गिफ्ट बांटने का आरोप लगाया है। सीनियर अधिवक्ता संजय पारिख ने एसोसिएशन की ओर से कोर्ट को बताया कि 500 mg तक की दवा का रेट सरकार रेगुलेट करती है, जबकि उससे ज्यादा का कंपनियां खुद बढ़ा या घटा सकती हैं। डोलो बनाने वाली कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए डोलो 650 mg का प्रचार करवाया। ये प्रचार डॉक्टरों से प्रिस्क्रिप्शन पर्चे पर डोलो 650 mg दवाई लिखवा कर किया गया। इसके लिए डॉक्टरों को महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए गए। सीधे और साफ शब्दों में दवाई बनाने वाली कंपनी डॉक्टरों को घूस दे रही है कि वो ज्यादा ड्रग वाली दवाई मरीजों को लिखें, जिससे कंपनी मुनाफा कमा सके। कोर्ट में सुनवाई को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना ने सुना। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें भी कोविड के दौरान यही दवाई खिलाई गई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे फार्मा क्षेत्र में भ्रष्टाचार का एक संवेदनशील और गंभीर मुद्दा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने डोलो 650 की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए दिए जाने के मामले पर केंद्र सरकार से 10 दिनों के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में दावा ये भी किया गया कि ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कैसे फार्मा क्षेत्र में भ्रष्टाचार मरीजों के स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। याचिका में कहा गया कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।